ठीक है। अपने यहां भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप इतने निगेटिव क्वेश्चंस उजागर कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन भी उजागर करिएगा कि सब कुछ होने के बाद भी एग्री इकोनॉमिक्स यानी कृषि का सेक्टर 3% के वार्षिक ग्रोथ पे कैसे आ गया। ये बीजेपी सरकार की देन रही है कि किसानों की रही है कि दैवीय देन ये रही है, भगवान की कृपा से हो गई, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इस एक्सेप्शन के परिप्रेक्ष्य में भी इकोनॉमी को देखना होगा। बड़े बड़े धुरंधर, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के गुरु, बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ खड़े कर दिए, साहब हम नहीं कर सकते हैं, बचाइए। और एक एग्रीकल्चर, एक किसान जिसके पास कुछ नहीं होता है, केवल एक लंगोट पहन करके, उसकी इकोनॉमी 3% ग्रोथ पे है। ये बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूं, जो कि ठीक है। तो एके मिश्रा जी, आपके आपके क्योंकि एके मिश्रा इसके बारे में ज्यादा मुझे समझा पाएंगे, उठ के मुंह में जी रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए मैंने गलत तो नहीं कहा एके मिश्रा? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, कॉर्पोरेट के हिसाब से। हाँ, मैं भी इसीलिए चाह रहा हूं, मैं चर्चा चाह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, अर्थशास्त्र के हिसाब से बात करेंगे। एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्र के नजरिए से बताएंगे एके मिश्रा जी कि आखिरकार ये बजट कहता क्या है। एके मिश्रा जी, अर्थशास्त्र क्या कहता है, कितने नंबर देंगे 10 में से? 6 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर आपका आकलन, 10 में से कितने नंबर? 6 नंबर। 10 में से 6 नंबर। प्रेम जी, 10 में से कितने नंबर? 3.33। संदीप द्विवेदी, वैसे मैं जानता हूं 10 में से कितने नंबर देंगे, फिर भी पूछ रहा हूं, कितने नंबर? देखिए, कोविड के दौर में मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन बजट है, और मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, 10 में से 10 नंबर दिए जाने चाहिए। 10 में से 10, खैर मुझे मालूम था 10 में से 10 ही आप बोलेंगे, क्योंकि एके मिश्रा इसके बारे में ज्यादा मुझे समझा पाएंगे। इस हिसाब से 2417 हैंड होल्डिंग हो गया, और कोरोना काल के वक्त इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि भैया आप देंगे और उसके बाद रोजगार उत्पन्न होगा, लेकिन यहां पर भी उठ के मुंह में जी रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए मैंने गलत तो नहीं कहा एके मिश्रा? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है जी मिश्रा जी, मैं बोलूं कि द्विवेदी जी? नहीं नहीं, आप ही बोलिए। नहीं नहीं, एके मिश्रा जी, चावला जी, फिर मैं टमटा जी आपके पास आ रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन उठा रहे हैं आपके, क्वेश्चन जेन्युइन है, और मैं पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, कॉर्पोरेट के हिसाब से मैं इसीलिए चाह रहा हूं, मैं चर्चा चाह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, अर्थशास्त्र के हिसाब से बात करेंगे। फिगर आपके स्टेटमेंट के फेवर में है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे आप जीडीपी ग्रोथ का देख लें, और ये केवल भारत की दशा नहीं है, दुनिया के किसी भी देश को आप देख लें, एक्सेप्शन के तौर पे एक दो देशों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। अपने यहां भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अपने यहां भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप इतने निगेटिव क्वेश्चन उजागर कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन भी उजागर करिएगा कि सब कुछ होने के बाद भी एग्री इकोनॉमिक्स यानी कृषि का सेक्टर 3% के वार्षिक ग्रोथ पे कैसे आ गया। ये बीजेपी सरकार की देन रही है कि किसानों की रही है कि दैवीय देन ये रही है, भगवान की कृपा से हो गई, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इस एक्सेप्शन के परिप्रेक्ष्य में भी इकोनॉमी को देखना होगा। बड़े बड़े धुरंधर, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के गुरु, बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ खड़े कर दिए, साहब हम नहीं कर सकते हैं, बचाइए। और एक एग्रीकल्चर, एक किसान जिसके पास कुछ नहीं होता है, केवल एक लंगोट पहन करके, उसकी इकोनॉमी 3% ग्रोथ पे है। ये बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूं, जो कि ठीक है। तो एके मिश्रा जी, आपके आपके सवाल आकलन के हिसाब से मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि ग्रोथ को देखना चाहिए, तो मुझे 2018-19 की ग्रोथ और 2019-20 की ग्रोथ के हिसाब से बताइए कि हम कहां खड़े हैं। देखिए, हम इसमें बताना क्या, ये जग जाहिर है, हर जगह फिगर है, कोविड के कारण सारी एक्टिविटी शट डाउन रही है। नहीं तो ये पहले हम ग्रोथ कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, नहीं। तो मैं आपके सामने 2018 की ग्रोथ रेट की बात करूं तो 6% था, और उस वक्त 2019-20 में हम 4%, यानी कि मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूं, मैं कोविड से पहले की ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं, मैं, तो मैं, हम उसके बारे में चर्चा ना करें। मैं आपके कोविड की भी मैं आपको बता देता हूं, मैं प्री कोविड की बात, मैं प्री कोविड की भी बात करता हूं। देखिए है क्या, इंडिया में जो कोविड का इन्फेक्शन आया वो लगभग जनवरी या फरवरी से आया, लेकिन एक जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी और एडवांस इकोनॉमी होती है, हमारी इकोनॉमी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। जो सेक्टर इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर, वो ग्रोथ कर गया।
हमारी इकोनॉमी तब भी डाउन होती है या ग्रोथ होती है जब फॉरेन में ग्रोथ होती है, वहां इकोनॉमी की स्लो डाउन हुई। ये फैक्टर आपको लगभग 3 से 6 महीने पहले से दूसरे देशों के ऊपर, यानी 2018-19 की ग्रोथ रेट अगर 6% थी, अगर मैंने कहा और 2019 में 4%। सर आप मान लीजिए ना, चाइना से हम सारा चीज इंपोर्ट करते हैं, चाइना में 3 से लेकर 6 महीने पहले, और उसका असर यूरोपियन कंट्री पे, अमेरिका पे, वर्ल्ड बैंक, जितनी इकोनॉमी तो हम ड्राइव नहीं करते हैं ना, इकोनॉमी तो ड्राइव करती है अमेरिका या दूसरे देश करते हैं। 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया आपका, अमेरिका में आया, नौकरियां इंडिया में गई। अब उसके पीछे क्या रीजन है जी? अच्छा, हमारा तो कोई रोल था नहीं। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप समझिए कैसे ग्रोथ और फॉल होता नहीं, तो फिर कोविड हम बहाना बनाते हैं कि कोविड से पहले के हालात भी तो आंकड़े सही नहीं। अगर आप कोविड को बहाना बना रहे हैं तो चलिए मैं बोलता हूँ ठीक है, बहाना है। आप इतने बड़े पुरुषार्थी हैं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो सारे बैरियर को तोड़ करके आपने कोविड में क्यों नहीं ग्रोथ दिखाया? जब देखिए सावन जब होता है तो कहीं भी बीज आप छिड़केंगे तो वो एक वटवृक्ष बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में क्या भारत का कॉर्पोरेट परफॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं रखता है? यानी आपकी सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी नजर में 10 में से 10 नंबर है। ओके, एक सेकंड। सारा जो हमारा ग्रोथ था इंडस्ट्री का, चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, सब कुछ रुक गया था। तो हमारे किसानों ने सबसे बेहतरीन विकास दर दिया, लेकिन हमारे हमारे किसान को जिसकी आबादी 65 करोड़ है भारत में, उसे आपने क्या दिया? उसे 70 दिन से आप सड़क पर बैठाए हुए हैं बॉर्डर पर, और उसकी लागत जब तक कम नहीं करोगे, 80 रुपए में डीजल खरीद करके, 1200 रुपए में DAP खरीद करके, 750 रुपए में पोटास खरीद करके, 500 रुपए में यूरिया खरीद करके, और 18% GST किसी उपकरण दे करके, आदरणीय मिश्रा जी, किसान की आय कभी दुगनी नहीं हो सकती। मैं किसान हूं, और 31 दिसंबर 2019 के बाद से हमारा रिएक्शन, एके मिश्रा फिर उसके बाद विनय सिंह आपके पास आ रहे हैं, ध्रुव जी आपके पास, एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। ओके ओके, आप ही का सवाल उठा रहा हूँ। ओके, वो कह रहे कि ये साबित करिए कि ये वाला 60% लागत, गजेंद्र जी सुन लीजिए ना, मैं आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आपकी नजर में ये बजट सबसे शानदार बजट है, तो ये साबित करिए कि किसान, सर सवाल सुन लीजिए या फिर बोलना तो आप बोल लीजिए, सवाल यह है कि यह साबित करिए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक इस बजट से। सुन लीजिए, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। अभी 2 साल से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। गजेंद्र जी बकाया छोड़ दीजिए सर, अभी मैं आंकड़े दिखाऊंगा, अभी रुकिए ना, सम्मान निधि तो अपने आ जाऊंगा मैं, रुक जाइए। मैं आपके सारे सवालों से सहमत हूँ। गन्ना बिलों का अगर भुगतान बकाया नहीं हुआ तो वो पॉलिसी की गलती नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन की गलती है। सरकार को इसमें इंप्रूव करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की क्विक रिएक्शन हो, डिलीवरी हो, ये सारी चीजें हो। रही बात किसानों को क्या मिला, ठीक है डीजल पेट्रोल पे सेस हुआ, किसानों को हो सकता है डायरेक्ट कुछ नहीं मिला हो, लेकिन डिबेट के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इतनी सारी जो योजनाएं हैं वो सारी चीजें जा करके कहीं ना कहीं फायदा किसानों को मिलेगा। अच्छा। सारी नदियां जा करके किसानों के दरवाजे पे खुलेगी। किसानों के लिए सबसे बेहतरीन बजट है, सबसे बेहतरीन। विनय सिंह वो कह रहे हैं कि किसी और को फायदा हो ना हो इस बजट से, किसानों को ही फायदा होगा। विनय सिंह इत्तेफाक रखते हैं, हम किसान है। ओके विजेंद्र जी, अभी आ रहा हूं सर, आंकड़ों से ही बात करूंगा। विजेंद्र जी प्लीज एक सेकंड ये बताइए, आप तिलक जी बताइए सर, आ रहा हूँ आपके पास। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित व्यापारी हुआ था इस कोरोना काल में, युवा हुए थे सबसे ज्यादा प्रभावित, बेरोजगार क्या मिला है आप बता दीजिए। ओके, लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं सब कुछ मिल गया। नहीं, आम जनता को कुछ मिला इसलिए नहीं है कि सरकार के पास कुछ देने के लिए है नहीं। अब मुझे AK मिश्रा जी बताएंगे, आपने कहा कि किसानों के संदर्भ में जो शुरुआत में आपने कहा कि ये बहुत शानदार बजट है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता, और किसानों की आय इससे दोगुनी हो जाएगी अगले साल तक, कैसे होगी? देखिए चावला जी, एक तो जो आप लोग 10 करोड़ फिगर दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान हाउस होल्ड आप उसको ले रहे हैं कि टोटल किसान को मान रहे हैं, ये चीज मुझे क्लियर जो सरकार का आंकड़ा। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, यहाँ पे दो चीजें देखिए, क्वांटिटी मैंने नहीं बोला, सरकार कह रही थी, मैं सरकार की ही बात कर रहा हूँ जो सरकार ने बोला है, मुझे पॉसिबिलिटीज कहाँ दिख रही है। देखिए किसानों की आय दुगनी या तिगुनी करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि अगर अभी 10,000 रुपए इनकम हो रही है, ले आओ पैसे लुटा करके उनके खाते में डाल दो, हो गई इनकम, खेती करने की भी जरूरत नहीं है। आय को अगर डबल ट्रिपल जो भी करना हो, एक पाई चार्ट बनाइए कहाँ कहाँ से वैल्यू एडिशन हो सकता है,
मैं बोलता हूं एमएसपी को डेढ़ गुना। अभी ये आप मत देखिए कि कहां हो रही है एमएसपी पे खरीद, कहां नहीं हो रही है। जहां खरीद नहीं हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन और रिफॉर्म की जरूरत है वहां पे। भारत में अगर 70 करोड़ किसान है, 65 करोड़ किसान है, 7000 मंडियां हैं सर, 7000 मंडियों से 65 करोड़ किसानों को लोड आप कैसे लेंगे? मंडियों की पहुंच ही नहीं है, हाशिए पे किसान पड़े हुए हैं जमींदारों को छोड़ के। मैं स्टैंडर्ड कंडीशन ये मान लीजिए कि डेढ़ गुना एमएसपी मिल रही है, तो डेढ़ गुना तो उनकी इनकम हो गई ना। जिस किसान की फसल खरीद ली गई उसकी इनकम तो हो गई, इसी को 100% इंप्लीमेंट करिए। रही बात 50% और कहां से करें, अब एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर के साथ सुनिए, 85% किसान जो हैं, अरे सर उसके लिए उसके लिए मतलब मैं आप ये नहीं देखिए, अच्छा मतलब सुनिए, वही बात हो गई, 85% आपका आजकल जो चल रहा है आपका कुत्ता कुत्ता और प्रोडक्ट और हमारा कुत्ता टोनी, 7000 मंडी से 120 करोड़ की जनता की एग्रीकल्चर खरीद फरोख्त कैसे होगी मुझे बताइए। तो यही थ्योरी को अपना लेना चाहिए सरकार को, मंडी पे कितना रेशियो आता है, कितना लोड होना चाहिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, तो उसी लोड में बिक रहा है ना, तो यानी सब कुछ जो है वो निजी कर दिया जाए। एक सेकंड विनय सिंह, प्राइवेट कंपनियों को लाया एक सेकंड विरोध होगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये तरीके हैं एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर को एक्टिवेट करने के। एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं होगा, बसरते गवर्नमेंट ने जो बोला है वो इंप्लीमेंटेशन। ओके विनय सिंह, आपने सुना, और पंजाब में गया तो वहां मुख्यमंत्री ने बोल दिया हम तो जी इसको एक पैसा नहीं लेंगे। अब हो गया ना मिश्रा जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। विनय सिंह जी वो कह रहे हैं कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की इस बजट से, सुना आपने? हमें तो नहीं समझ में आता है क्योंकि अभी 2 महीना पहले हम ही ने धान गेहूं बेचा है 1200 रुपए में गोरखपुर में, कहां पे खरीदी जा रही है एमएसपी पे हमें नहीं मालूम है, किस तरीके से ये उसकी आय दोगुनी करेगी, हमें तो किसान और टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये राजनीतिक लॉजिक नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कि प्राइवेट स्टेक होल्डर वो खरीदे, तिलक जी हर जगह जब मंडी नहीं पहुंच रही है तो उसका विरोध हो रहा है कि प्राइवेट खरीदार नहीं आएंगे जी, आएंगे तो मंडी वाले ही आएंगे क्योंकि 5% कमीशन उनके जेब में जाए। एक सेकंड विनय सिंह जी अपनी बात रखिए प्लीज। मैं तिलक जी जो मिश्रा जी कह रहे हैं कि डेढ़ गुना कहां पे हो रहा, कहां पे एमएसपी पे खरीद हुआ है बता दे जरा, उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसी जगह बता दे जहां पे एमएसपी पे खरीद हुई है। इतने दिन सरकार थी, आपने घर घर में क्यों नहीं लोहियावादी मंडी बनवाई, खरीद की व्यवस्था क्यों नहीं की? बिल्कुल बनवाई थी, बिल्कुल बनवाई है, राजनीतिक बिल्कुल बनवाई है, राजनीतिक बहस बिल्कुल बनवाई। राहुल लाल, राहुल लाल एक सेकंड मैं उस विषय में, मैं उस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक मिश्रा जी एक सेकंड एक ओके सर ओके एक सेकंड एक सेकंड 70 साल में व्यवस्था नहीं बनी लेकिन 2020-21 के बजट से व्यवस्था बन जाएगी। ओके आपकी नहीं नहीं आपने कहा ना कि व्यवस्था बन जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी। ओके एक सेकंड राहुल लाल मुझे ये समझाइए, एक सेकंड मुझे एक बात समझाइए कि बेरोजगारों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश, मैंने 9% बेरोजगारी दर की बात की है, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा कोरोना काल में मिडिल क्लास ने झेला, उसको क्या मिला इसमें, इतना समझाइए। देखिए मिडिल क्लास तो इस देश में ऐसा है कि वो सरकार के सारे टैक्स नियमानुसार चुका है, उस तमाम व्यवस्थाओं का पालन करे, लेकिन जब बजट का समय आता है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें डिमांड की भारी जरूरत है कि डिमांड जनरेट किया जाए। इस बजट से पहले भी जो सरकार ने पूरा फोकस किया, उन्होंने सप्लाई साइड में तब भी फोकस किया था उस जमाने में, और कॉर्पोरेट सेक्टर के 1,45,000 करोड़ तो रुपए से डिमांड क्रिएट होगी, नहीं और पेट्रोल डीजल से डिमांड क्रिएट होगी, नहीं क्रिएट होगी ना, यही तो स्थिति है कि ये जो पूरा डिबेट जो पूरा बजट लाया गया है ये आपके डिमांड जनरेट करने में सक्षम नहीं है। जब तक आप डिमांड को बढ़ाएंगे नहीं, इनसे पूछा जा रहा डिमांड कैसे जनरेट, कैसे जनरेट होगा जब तक आप, जब देखें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने पड़ेंगे, और देखिए कहां लगा रही है, सुन तो लीजिए रोड पुल और रेलवे पे ही तो लगा रही है, आप देखिए, चलिए आप सुन लीजिए आप देखिए आप मिश्रा जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लगा रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं आप राहुल लाल जी? मिश्रा जी सुन तो लीजिए, देखिए आपके बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप हमको पहले सुन लीजिए फिर खंडन कर दीजिएगा।